hello and welcome to my youtube channel today we will learn something new in my channel so this is uh, about class 11 statistics in economics uh, this is actually a part of economics and it is a first chapter of, from economics book and actually a very interesting and uh, important chapters so let's start the explanation of statistics before starting the video i would like you all to please like subscribe and share to my youtube channel to get connected with all the updates please watch it till end thank you so let's start the explanation so the term statistics has been derived from the latin word status which means political state everyone is very clear with the word status status means telling about something or giving information about something so statistics is also simply द फैक्ट दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट इन वेरी डिटेल और यू कैन से यू कैन कवर द डाटाज सो हमको सबको पता है कि स्टेटस क्या होता है कि हम किसी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से बता रहे हैं क्लियरली किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देना सो द डिफिनेशन ऑफ स्टेटिस्टिक्स इज स्टेटिस्टिक्स आर द न्यूमेरिकल डिप डिस्क्रिप्शन ऑफ क्वानिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ थिंग्स एंड दे टेक द फॉर्म ऑफ काउंट्स एंड मेजरमेंट दिस डिफिनेशन इज़ माई वॉल एंड रोबोट सो एज आई टोल्ड यू स्टेटस्टिक्स इज़ नथिंग बट अ न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन जिसमें हमको कोई भी चीज़ के डिस्क्रिप्शन नंबर्स के फॉर्म में मिलते हैं और बहुत क्लियर होते हैं काउंट करके और मेजर करके हमको किसी भी चीज़ के बारे में स्टेटिस्टिक या हमको किसी भी चीज़ के बारे में डाटा कलेक्ट कर सकते हैं सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन characteristics of statistics in plural sense now one more thing i would like to clear here uh, statistics has been derived in two sense first is plural sense and the second is singular sense plural and singular are singular are very uh, known facts to you so the characteristics of plural sense of st statistics is the first one is एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स इसमें हम लोगों को जो भी फैक्ट्स होते हैं उसके बारे में एक एग्रीगेट पता चलता है एवरेज पता चलता है कि कोई भी चीज़ हमारे पास कितनी है किस क्वान्टिटी में है द सेकेंड पॉइंट इज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस प्लूरल सेंस में जब हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेसड इन नंबर्स इट इज़ ऑलवेज़ एक्सप्रेसड इन न्यूमेरिकल फॉर्म कोई और अदर फॉर्म नहीं होता है affected by multiplicity of causes. now this is what multiplicity of causes का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ती जाएंगी उतने ज़्यादा facts हमारे सामने आते जाएंगे या जितनी ज़्यादा चीज़ें कम होती जाएंगी उतना ज़्यादा facts हमारे सामने आएगा कि अगर चीज़ें कम हो रही like raw material कम हो रहा है तो क्यों कम हो रहा है production नहीं हुआ होगा या कोई भी चीज़ हो सकती है डिमांड ज़्यादा हो गया है अचानक से तो आपको ये सारे फैक्ट्स कहाँ से पता चलते हैं कोई भी चीज़ का स्टेटिस्टिक्स निकालेंगे रीज़नेबल एक्यूरेसी रीज़नेबल एक्यूरेसी का मतलब होता है कि जब भी कोई चीज़ के बारे में हमको फैक्ट्स मिलते हैं तो वो एक रीज़न के साथ आते हैं ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ आप ज़बरदस्ती ये काउंट किया वो काउंट किया एंड यू गेव द डाटा दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस स्टेटिस्टिक्स प्लेस इन रिलेशन विथ ईच अदर एक दूसरे के साथ हमेशा कंपेयर किया जाता है

statistics is an art everyone cannot collect any type of data it needs an artistic or a professionals to collect the statistics or data statistics is both science as well as art obviously if it is science and if it is art so it will be compared in both the manners that it is both science as well as arts in that i told you uh, key word uh, statistics uh, singular sense of statistics is in uh, five stages

कि हमारे इकोनॉमी में प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ चल रही है प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स डेफिन इन डेफिनाइट फॉर्म कोई भी चीज़ के बारे में हमको जिसके बारे में फैक्ट्स पता चलती है वो हमको एक प्रॉपर फॉर्म में पता चलती है डेफिनाइट फॉर्म में हमको किसी भी चीज़ के बारे में फैक्ट्स निकल के आते हैं स्टेटिस्टिक्स हेल्प्स इन कंडेंसिंग मास ऑफ मास डाटा स्टेटिस्टिक्स से हमको कोई भी चीज़ के बारे में क्वान्टिटी और क्वालिटेटिव मास पता चलता है स्टेब्लिश रिलेशनशिप बिटवीन फैक्टर्स फैक्टर्स के साथ अच्छा रिलेशन बनता है हेल्प्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान्स एंड पॉलिसीज जब हमको कोई प्रॉब्लम्स पता चलेंगी या हमको कोई चीज़ पता चलेगी विद डैट वॉट वी कैन डू इज़ वी कैन मेक प्लान्स एंड पॉलिसीज़ फ़ॉर फ्यूचर जब तक हमारे पास डाटा नहीं होगा तो वो भी हम नहीं बना सकते हेल्प्स एंड एवेल्यूशन ऑफ़ इम्पैक्ट ऑफ पॉलिसीज़ हमको ये समझ में आता है कि हमने जो नई पॉलिसीज़ लाई थी दैट पॉलिसीज़ आर वर्किंग और नॉट अगर हमको कुछ इम्प्रूवमेंट दिखेगा सो ऑब्वियसली इट इज़ वर्किंग एंड इफ नॉट सो इट इज़ नॉट वर्किंग इंटर सेक्टोरल एंड इंटर टेम्पोरल कम्पेरिजन अब यहाँ पर ये ये चीज़ होती है कि आप सेक्टर वाइज चीज़ों को कम्पेयर कर सकते हो लाइक like लाइक डेवलपमेंट इन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ये दोनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं तो हमको पता चलेगा कि हाँ हमारा डाटा या हमारे पास इस साल कहाँ से प्रॉफ़िट ज़्यादा आया था सो so ये चीज़ें हमको कहाँ से पता चलती है? एक स्टेटा एक डाटा मिलेगा तब हमको पता चलता है ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैज़ बीन कवर्ड इन दिस वीडियो एंड द मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन फ्राम दिस चैप्टर यूजली कवर्स ऑल दीज टॉपिक्स ओनली thank you so much for watching it till end if you liked do subscribe to my youtube to my youtube channel thank you so much keep supporting to my channel and uh, give your views as well so that i can improve myself